संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो साहिबाबाद इंडस्ट्रियल इलाका में मौजूद है, जो पिछले कई सालों से देश के सुरक्षा उपकरणों के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें बना रहा है रेलवे से जुड़ी हुई, जो देश की उन्नति में लगातार योगदान दे रहा है। लेकिन सरकार ने एक रणनीति के तहत जो विनिवेश करने की एक प्रक्रिया शुरू करी है, उसमें इसको भी चिन्हित किया गया है। हालांकि सरकार ने इससे पहले भी इसका प्रयास किया था 2018 में भी, तब भी यहाँ मजदूरों का बहुत बड़ा प्रतिरोध हुआ था, जिसके बाद वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, सरकार ने इसको रोक दिया था। लेकिन इस बार बजट में सरकार द्वारा जो कंपनियों को बेचने का प्रस्ताव रखा गया है, उसमें से एक इसका भी नाम दिया गया है। इसके बाद से ही यहाँ पर कर्मचारियों में रोष है और लगातार रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर गेट मीटिंग्स हो रही हैं, और लगातार यहाँ काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी लगातार यहाँ रोजाना पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने जब उनसे बात करी, सबका यही कहना है, जो सरकार हमारी, जब हम कंपनी प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, हम घाटे में नहीं, सरकार हमको क्यों बेचना चाहती है, इस सवाल को लेकर ये प्रदर्शन है। इनका क्या पक्ष है, कर्मचारी क्यों आंदोलन कर रहे हैं, और आगे इनका आंदोलन कैसे चलेगा, और इनकी भूमिका कैसी रहेगी, और किस तरह काम करते हैं, इन सब चीज़ों को बात करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक ऑप्ट्रॉन थी कंपनी, वो भी इस तरह से प्राइवेटाइज हुई थी, वो आज की डेट में आपको पता होगा सब बंद पड़ा है। 1974 से ये कंपनी लगी है, जब से लेके आज तक हम कुछ समय तो लॉस में रहा, पर चले 7-8 साल से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। सरकार हमारी कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, 100% प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि अभी हम पिछले 7 साल से लगातार प्रॉफिट में चल रहे हैं, और अभी लेटेस्ट 5 अप्रैल को हमारे यहाँ पे जो हम प्रॉफिट अर्न किया है, या हमने सबसे ज़्यादा अभी टारगेट अचीव करके हमने जो एक टर्नओवर अचीव किया है, वो 337 करोड़ का था। उसमें अगर हम एकदम प्रॉफिट देखें विदाउट जीएसटी, तो 28.5 करोड़ हमने विदाउट जीएसटी हमने प्रॉफिट अर्न किया है। जब वो मोदी जी आए थे, तो उन्होंने वादा करा था कि 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ हम रोज़गार देंगे, वो उससे उलट कुछ अपने उद्योगपति मित्रों से मिलके ये संस्थान वो गिरवी रखना चाहते हैं उनके पास, ताकि आम इंसान बिल्कुल बेरोज़गार हो जाए। पूरे तौर पे एक कॉरपोरेट के हाथों में नाच रहे हैं, कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर काम कर रहे हैं, नीतियां उसी आधार पर निर्मित हो रही हैं। एक उद्योग को उजाड़ने का मतलब केवल वहाँ के कर्मचारी से संबंधित नहीं होता, उसके आसपास पूरी जो बसावट है, जिनकी रोजी रोटी उस उद्योग के साथ में जुड़ी होती है, जिनका जीवन यापन उस उद्योग के साथ में जड़ा होता है, हजारों हजारों परिवार जो है वो सड़क पर आ जाएंगे। हमारा 2018 में जो ईओआई निकला था, उसके अगेंस्ट हमने 69 डेज जो है धरना, हमारा ये आंदोलन चलता रहा, उसके तहत जो है कोई बिडर नहीं आया और वो टल गया। और 2020 में जो अभी जो ईओआई निकला है, उसके अंदर भी हम यही काम कर रहे हैं। अभी हमारा 26वां दिन है आज, और आज हमने फर्दर नोटिस दे दिया है कि 14 तारीख तक का हमारा ऑलरेडी पीरियड है, 15 तारीख से हमने एक महीना और स्थगित कर दिया है, और बढ़ा दिया है कि हमारा धरना जो है एक महीना और रहेगा, और इसको जब तक इस कंपनी को हम बचा नहीं लेता, तब तक हमारा ये धरना चालू रहेगा। ये कंपनी 1974 में लगी है, और यहाँ शुरू में जब ये कंपनी लगी तो ये R&D में थी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत ये R&D यूनिट थी। R&D यूनिट के बाद ये करीब 15 साल बाद ये प्रोडक्शन यूनिट बनी। प्रोडक्शन यूनिट बनने के बाद यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड, रेलवे की सुरक्षा से रिलेटेड, सोलर सेल में हम कभी 2 इंच सोलर सेल का जब शुरू में R&D किया, पूरे विश्व में मात्र 3 कंपनियाँ थी, जो कि भारत में मात्र 1 कंपनी थी, इसके अलावा विश्व में 2 कंपनियाँ और थी, और ये 2 इंच सोलर से शुरू करके आज 6 इंच का सोलर सेल बन रहा है। अभी तो उन्होंने करीब 35 कंपनियों का नाम लिया है, हमारे को भी चिन्हित किया है, बट ये तो 2016 से भी चली आ रही है, और हम लोग पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमें कोई इसके मतलब विनिवेश से डर नहीं हो रहा है, डर ये हो रहा है कि आप इस तरीके की जो सरकार की एक बहुत अच्छी जो संस्थान है, जो कि एक यूनिक, जैसे मैंने बताया कि फेस कंट्रोल मॉड्यूल, रेडम, ये सब मिसाइल क्षेत्र से का यूनिक प्रोडक्ट है,
इसको हम ही लोग बना रहे हैं। अगर ये कल को निजी हाथों में जाती है तो उसका जो निजी जो नियुक्ता होता है उसका पूरा अधिकार क्षेत्र आ जाता है, इसको चलाना ना चलाना और वो किस तरीके के उसका मंशा क्या होगी उस पर है। सरकार के भी वो हाथ से निकल जाएगा। अभी तो सरकार के हाथ में कोई बात है तो भाई वो अपने, हम लोग देश हित में सोचते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट का प्रोडक्ट है। और सरकार ने ये भी कहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में कोई कंपनी काम कर रही है तो उसका निजीकरण ना किया जाए, ये पॉलिसी है। लेकिन हमारे केस में उस पॉलिसी में उस पॉइंट को कंसीडर ना करते हुए इसका निजीकरण के चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। हमारी कंपनी में ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये DISR के अंदर काम करती है और इसमें जितने भी प्रोडक्ट आज तक बन रहे हैं या जिन पर अभी रिसर्च चल रही है या जिनके डेवलपमेंट चल रहे हैं वो सभी के सभी यूनिक हैं। केवल एक प्रोडक्ट जो सोलर सेल का प्रोडक्ट जो हमने शुरू किया 7800, वो प्रोडक्ट केवल कॉमर्शलाइज मार्केट में हुआ जैसे दूसरी कंपनियां बना रही हैं। अन्यथा बाकी प्रोडक्ट जो हमारा PCM है, फेस कंट्रोल मॉड्यूल है, हमारे रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम है, रेलवे सेफ्टी काउंसिल है, हमारी लेजर फेंसिंग है, हमारी CZT सबस्ट्रेट है, हमारे जितने भी और SSG के हमारे प्रोडक्ट है वो केवल हमारी कंपनी बनाते हैं, वो सारे सारे यूनिक हैं और डिफेंस के लिए यूनिक हैं। ये सरकार ने जो एक नीति बना रखा है कि ये चीज़ होता है कि चलिए कि लॉस मेकिंग जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया, तो ये चीज़ समझ में आता है कि यार कंपनी अब इसका चलने का स्थिति में नहीं है। अगर कोई ऐसी कंपनी है तो आज से 1990 में जो कंपनियों का ऐसा हुआ था तो ऐसा था, लॉस मेकिंग था, उनको किया गया। लेकिन अब सरकार ने ये बोला है कि हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को भी बेचेंगे, तो इसका क्या मतलब है? एक संस्थान को बेचना वो आसपास की जो बस्ती है, समाज है, उसको उजाड़ने के समान है और देश को पीछे धकेलने के समान है। इसीलिए यहाँ पर विरोध है और CITU दिल्ली राज्य कमेटी लगातार इस विरोध का समर्थन करती है, जो CL के एम्प्लॉयज़ यूनियन के बैनर तले यहाँ 15 मार्च से चल रहा है। पहले भी इन साथियों ने बहुत बहादुराना तरीके से 69 दिन यहाँ पर आंदोलन किया था और कोई भी जो EOI थी, जो बिड थी, वो यहाँ पर आई नहीं। फिर वो कोई आया नहीं, रुचि नहीं दिखाई किसी ने भी खरीदने के लिए इसको। तो इसी प्रकार से अब की बार भी हम इसको विफल करेंगे और उम्मीद पूरी है। और हम लोग जो इस साहिबा क्षेत्र के अंदर गाज़ियाबाद में और दिल्ली NCR में जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है उनको CL के इस आंदोलन के समर्थन में हम लोग खड़ा करेंगे और पूरी उम्मीद है कि सरकार को अपना कदम को वापस लेना ही होगा। हमारा आंदोलन लंबा चलेगा और इस आंदोलन को हम रूपरेखा बहुत ही कड़ी देने वाले हैं। हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हमें कहीं भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम ये रोजी रोटी का सवाल है और रोजी रोटी के लिए इंसान कहीं से कहीं तक जाता है और हम कहीं धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये अपना मोदी सरकार को ये फैसला अपना वापस लेना पड़ेगा जब तक हम अपना धरना जारी रखेंगे। क्लियर कट ये लगता है कि एक कंपनी जो बेचने वाला है या वो खरीदने वाला आदमी इस कंपनी को चलाने के पर्पज से नहीं ले रहा है, उसका निजार सिर्फ एक कंपनी के है जो 50 एकड़ ज़मीन है जो यहाँ है। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक भूमि का कांड मान सकते हैं अब इसको, एक ज़मीन हड़पाने का एक तरीका ही है। क्योंकि अगर ये चलाना होता या कंपनी प्राइवेट वाला बहुत अच्छा चलाने की होता तो उसका बेसिक क्वालिटी के अंदर ये भी रखता है कि ये साइंटिफिक बैकग्राउंड हो, इसको हम चला सकते हो या इतने साल तक नहीं। क्योंकि कई सीलों में इवन हम जो सोलर सेल बनाते हैं, सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, उसमें हम 25 साल की गारंटी देते हैं। हमने इस साल जो बेचा है उसको 25 साल तक सरकार गारंटी दे रहा है और जो खरीदने वाला उसको 3 साल तक भी नहीं रखेगा, तो ये कैसे चलाना हुआ? जितने भी रिमोट एरिया थे वहाँ जहाँ कोई भी कभी सोलर सेल लगाने को तैयार नहीं होता था वहाँ CL ने लगाया। हमारे डिफेंस सेक्टर में जो भी, चाहे पैरामिलिट्री BSF हो गया या मिलिट्री के जो रिमोट एरियाज होते थे वहाँ छोटे पहले उन लोगों को बैटरी बैंक लेके जाना पड़ता था, हम लोगों ने फोल्डेबल मॉड्यूल बनाया उससे कि ठीक है उनका इतना वज़न 10 किलो का वज़न लेके ना चलें, वो लोग 5 किलो के 4 किलो के फोल्डेबल मॉड्यूल ले जाएं और वहाँ थोड़ा सा भी धूप निकलेगी उसको चार्ज करके अपने सारे सिस्टम को, जो भी उनके सर्विलांस के सिस्टम होते हैं उनको अपडेट कर लें। तो ये CL का उद्देश्य यही था शुरू से कि हम देश हित में कितना ज़्यादा डेवलप कर सकें और देश को कितना सपोर्ट कर सकें। अभी रक्षा क्षेत्र में की जहाँ तक बात करते हैं तो हम जैसे फेस कंट्रोल मॉड्यूल है हमारा वो बना रहे हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो
प्राइवेट हाथों में जाने के बाद में अगर उसने उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दिया और भारत सरकार इसे बाहर से परचेज करने लगी, जिस फेस कंट्रोल मॉड्यूल को हम 14,050 का हम BL को दे रहे हैं या हम सरकार को दे रहे हैं, तो वो उसको लगभग 75,000 में हम बाहर किसी दूसरे देश से खरीदें, क्योंकि ये देश में ही हम इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं और बाकी कोई जो है और दूसरी कंपनी इसको बना नहीं रही है। हम लोग तो पिछले 7 साल से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई प्रॉफिट में नहीं है। इस वर्ष भी हमने 28 करोड़ का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया है, तो ये भी सरकार का कहीं ये नहीं कि आप 7 साल से हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो ये सारी बातों को और ये हर चीज़ बार बार हमने सरकार को कंटिन्यू बताई है, बताते रहे हैं अपने जो हमारे मंत्री साहब हैं हर किसी को, लेकिन उस चीज़ को एक हिसाब से ध्यान नहीं देना कि एक इंटेंशन है कि नहीं हमें बेचना है। तो जब कोई किसी चीज़ को मकसद ही कर ले कि नहीं बेचना है, तो हमारी आपकी बात को वहाँ तक सुनी नहीं जा रही है। रेलवे सिग्नल हमारा रेलवे के लिए बिल्कुल सेफ्टी काउंसिल है, जब से हमने सिग्नल्स लगाने शुरू करेंगे हमारी जीरो टॉलरेंस पर दुर्घटनाएँ आ गई हैं रेलवे की। कोई सिग्नल की गलती से दुर्घटना नहीं होती, पहले मानवीय भूल हो जाती थी, अब मानवीय भूल नहीं होती, अब ऑटोमेटिक सिग्नल्स हैं सब जो हमने पूरे देश में लगाए हैं। और जितने भी हमारे ये सिस्टम्स हैं जिन पर हम R&D कर रहे हैं, जैसे लेजर फेंसिंग पर अभी हम R&D करके लगाए हुए हैं, उन पर चल रहा काम, हमारी जो मतलब ये वोटिंग मशीन बन रही है, रिमोट वोटिंग मशीन बन रही है, उस पर भी काम चल रहा है, वो हमारी अप्रूव होने वाली है। सारे के सारे हमारे जितने भी ये प्रोडक्ट हैं सब यूनिक हैं, और जितने भी हमारे सोलर सेल के सिस्टम्स हैं वो इतने बढ़िया यूनिक हैं, अब जो बॉर्डरों पर लगाते हैं हम ही लगाते हैं, या जो मतलब फोल्डेबल सिग्नल को अप्लाई करते हैं आर्मी को वो हम ही करते हैं, प्राइवेट नहीं अप्लाई वो करते हैं। ये चीज़ एक आम आदमी के टैक्स से और आम आदमी के पैसे से बना है, ये चीज़ खुद से निर्णय लेने का यहाँ तक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो मेन टारगेट होता है जो PSUs का होता है सर्विस प्रोवाइड करना, हम लोग प्रॉफिट तो करते ही हैं, नेचुरल है। अभी सरकार को जो प्रॉफिट दिया है वो 32,000 करोड़ का जो डिविडेंड दिया है अभी आपने देखा होगा, तो हाँ PSUs ने दिया है, तो कितना बड़ा वैल्यू है वो अगर देखा जाए तो डिविडेंड का है, अब प्रॉफिट तो बात अलग छोड़िए। जैसे ईस्ट इंडिया आया था और वैसे ही 50 साल पुराना परिवेश में हमने नहीं देखा था, लेकिन आज वैसे ही है, लोग रोज़गार के बिना है, लोगों को एक इनसिक्योरिटी है। तो मैं समझती हूँ किसान सड़कों पे है, मजदूर सड़कों पे है, तो सबका साथ सबका विकास, मोदी जी किसकी बात करते हैं, अडानी अंबानी की।